Oy bas 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 yeğenim ya baby. Yeğenim yeğenim. अपना दूध नहीं पिलाती बेटा जी? नहीं पिलाती हूँ, पब्लिक में नहीं अक्सर पिलाती, घर में पिलाती हूँ जी। ले हाँ, शर्म है क्या शर्म है बेटा, आजकल की लड़कियाँ भी वैसे बहुत अजीब हैं। ये निकिया निकिया बाहों ते साउड़ियाँ कमीज़ा ते उचियाँ तमियाँ पाँदियाँ, उन्होंने कोई हया नहीं आता, पर दूध पियादियाँ बहुत शर्म आती है। नहीं इसका वैसे भी पेट नहीं ज़्यादा भरता, तो फिर बाहर बार बार पिलाना पड़ता है, घर में तो कर लेते हैं, तो फीडर से ये है कि थोड़ा पेट भर के पी लेते तो थोड़ी देर फिर रोती नहीं है। कहते अजकल दियाँ कुड़ियाँ कोई खुराक नहीं, ना इन्होंने दुध आंदा ना कुछ होर, सानू तो इन्ना दुध आता सी, इन्ना दुध आता सी भर भर के, असी तो पूरे पूरे महल्यान प्या देना, हर बच्चे प्या देना, तो अजकल दियाँ कुड़ियाँ अपने बच्चों वास्ते भी दुध नहीं। मैं ते तौबा महल्ले का कोई बच्चा ना, मैं कहना खुदा दा वास्ते मैनू दे, मैनू दुध पियावा मेरी जान छुटे। अपने मेरे माशाल्लाह 8 बच्चे सन, पर मैं फिर भी कभी गमलियाँ जाके चोना, कभी दरख्तों जाके चोना, बहुत बुरा हाल होता सी, दुध बड़ा सी। बल्कि मेरी बहनें तो मेरे साथ लड़ती हैं, कहती हैं बाजी आपने तो हर बच्चे को ही दूध पिलाया हुआ, हम तो इनके आपस में रिश्ते ही नहीं कर सकते। मैंने कहा तुम लोग भी ना छोड़ो, बाहर करो रिश्ते, खानदानों को अब छोड़ो, अब कहाँ खानदानों में वो बातें रही हैं जी। वो एक्चुअली मेरा सिजेरियन भी हुआ था, तो मैं शुरू में तो ज़्यादा करवा नहीं सकी, लेकिन मैंने करवाया है, मतलब क्योंकि मैं काम भी करती हूँ, जॉब करती हूँ, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं करवाती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। ऑपरेशन से अजकल एक प्रेशन की बीमारी लग गई, हर कुड़ी का सजेरियन होया है। हमारे ज़माने में तो हर बच्चा नॉर्मल, चाहे वो जिस तरह का मर्जी था, नॉर्मल पैदा करती थी औरत, तो बैठ के पोचे लगाती थी ना तो जिस्म खुल जाता था, आसानी से डिलीवरी होती थी। नहीं नहीं मैं तो नॉर्मल ही जाती थी, लेकिन इसकी पोजीशन ठीक नहीं थी, ये ना ऐसे ट्रांसफ़र आरडी थी, तो ये तो नॉर्मल हो ही नहीं सकती थी, तो फिर एमरजेंसी में सेक्शन करवाना पड़ा। तो बेटा खुराकें नहीं ना ठीक ली हुई आप लोगों ने, हम तो परोठे खाते थे, तो घ्यो खाते थे देसी, तो इतना इतना पेड़ा मक्खन करा के रोटी के ऊपर मैं कल्ली खा जाया करती थी, दो दो रोटियां, तो बेटा काम भी मशक्कत वाला था, बैठ के पोचे लगाते थे हम ऐसे। बेटा ये तो डॉक्टरों के सारे बनाई हुई बातें हैं, आडा तिरछा बच्चा, पहले नहीं थे भला लोग पैदा करते, आडे भी पैदा करते थे, तिरछे भी पैदा करते थे, हर तरीके के पैदा करते थे, ये आजकल इन्होंने पैसे बटोरने के लिए ये बनाया हुआ है सारा, कि ऑपरेशन कर लो फटाफट वरना बच्चे की जान को खतरा है। हाँ जी, लेकिन पहले के ज़मानों में तो इतनी एडवांस थी नहीं टेक्नोलॉजी, तो पता ही नहीं चलता था बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का, तो बहुत सारी मदर्स की और बच्चों की डेथ भी इसी वजह से होती थी। अब तो बहुत सेफ हो गया, इसलिए सेक्शन ज़्यादा हो गए हैं। तो फिर अल्लाह के काम है, ये तो अल्लाह की ज़ात को पता है, जिस बंदे ने दुनिया से जाना है उसे भला कोई रोक सकता है? ये तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं दूसरे को इस तरह की बातें करके, डॉक्टर और इस तरह की। हमारी दर्स वाली आपा खुर्शैद ने एक दिन ये मसला बहुत अच्छा बयान किया था, तुम चलना मेरे साथ कभी दर्स, चलो। अब मैं ज़रा इसका पेपर चेंज कर रहा हूँ, काफ़ी देर हो गई, मैं करवा के लाती हूँ। एक तो मैंने पैंपरों के सख्त खिलाफ हूँ, अंदर ही पोटियाँ, अंदर ही पिशियाँ, बच्चों की पिठियाँ ऐसे गल गल के गल जाती हैं। हमारे जमाने में किधर थी ये बीमारियाँ, ये सारे लंगोट होते थे, एक उतारना एक लगाना, एक उतारना एक लगाना। लेकिन वो कपड़े से तो गीला रहता है, उससे फिर रैश भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, इस तरह तो बल्कि बच्चा ड्राई रहता है, ये ज़्यादा हाइजीनिक है। बस बेटा ये सुस्तियाँ नहीं थे ना हमारे अंदर, खुद सारे बाग बाग के काम करने, 25-25 रोटियां मैंने खड़े होकर पका देनी, एडे एडे वे देर पकाने सालन दे, ते नाले बच्चों के सारे काम भी आप करने, अपना दुध भी पियाना, खड़े हो के काम भी करने, पोचे भी लाने, सब कुछ करना। सुबह सुबह उठ के सारे ऐसे धो के अपनी छत के ऊपर यूं लटका देती थी, तो महल्ले के लोग कहते थे लगता है कश्मीरियाँ की नूह उठ गई है, सारी छत ने सफेद करती है, लंगोट धो धो के धो धो के। फिर भी कभी मेरे लक में दर्द नहीं था हुआ, तो आजकल की लड़कियां हाय हाय उठते हैं बहन दे हाय, मैं तो हैरान हाँ इन्होंने कुड़ियों को, ना इन्होंने को दुध पियाए जाते हैं, ना इन्होंने को नॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं, ना इन्होंने को पाले जाते हैं, चार चार इन्होंने नौकर रखे हुए हैं, हवरे की कर दिया ने की खादिया ने जहर का। ओह थैंक गॉड मेरा फ़ोन बज रहा है, मेरे ख्याल से मेरे हस्बैंड आ गए, मैं चलती हूँ, नाइस मीटिंग यू, अल्लाह हाफिज़, बाय। बेटा मुझे ना अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें अपने साथ आपा खुर्शैद के दर्स में लेके जाऊँगी, नंबर दे दो मुझे अपना। हैं
Everybody, if you like this video, don't forget to share it with your friends. You can leave me a comment, and also if you want to watch more videos, subscribe to the YouTube channel. Have fun.